everybody, I'm your friend Yogender Lochab and I'm back with another video. Actually, आज मैं लोगों से कुछ पूछने वाला हूँ अनुष्का और विराट कोहली ने जो इटली में जाके शादी की ना उसको लेके. तो देखते हैं लोगों की रिएक्शंस क्या होंगे, लोगों के व्यूज क्या होंगे. मुझे बताओ यार, ये दिल्ली की लड़की और दिल्ली का लड़का दोनों ने इटली में जाके शादी की जी, क्या क्या लोचा क्या है ये बताओ यार. दुनिया से छुपा के आराम से शादी करे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो इसलिए. यार वैसे कौन किसको उंगली करता मुझे बताओ भाई. दोस्त यार और मीडिया वाले मेरे फ्रेंड है यहाँ पे उंगली करने के लिए. अच्छा दूसरा सवाल मेरा यार अब ये है कि अगर कोई आपका फ्रेंड जिगरी यार ऐसा करे जैसे कोहली ने अपनी पूरी टीम के साथ, तो आपके क्या भी हुए यार. इसलिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, जब उसने मारी ली तो मारी ली. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जो दोनों दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इटली में जाके शादी क्यों की? माइट भी हो सकता है कि उनको ज़्यादा पब्लिसिटी ना करने की बजाय उन्होंने कुछ ऐसे, मतलब थोड़े जो फैमिलीज होते हैं उनके बीच में उन्होंने मैरिज करने की ज़्यादा जरूरत समझी. माइट भी विराट कोहली ने अपनी टीम में से नहीं बुलाया और अनुष्का शर्मा ने ये बॉलीवुड में से किसी को नहीं बुलाया, तो कोई रीज़न होगा उसके पीछे? हो सकता है, अब ये रीज़न तो वही बता सकते हैं बिकॉज इतना बड़ा इवेंट था तो उनको बुलाना बहुत ज़रूरी था. बट आई डोंट नो अब उनके पीछे क्या रीज़न है, उन्होंने क्यों नहीं बुलाया. ओके, थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर अब दिल्ली में रिसेप्शन हो रहा है तो पहले शादी में तो किसी को बुलाया नहीं, तो रिसेप्शन में क्या लोगों का जाना बनता है? ये तो अब लोगों के ऊपर डिपेंड है, वो उनकी थिंकिंग है कि आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप क्या करते? मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती. विराट, मैं कम से कम 6 लोगों से बात कर चुका हूँ और सबके यही रिएक्शन है. नो, अगर शादी में बुलाना जरूरी नहीं समझा तो रिसेप्शन में आना जरूरी क्यों समझे हम लोग. आप विराट और अनुष्का को क्या कहना चाहेंगे उनकी वेडिंग के फ्यूचर लाइफ एंड, लेकिन आप लोगों ने बुलाया नहीं, दिस इज वेरी बैड. आई एम एक्चुअली वेरी डिसअपॉइंटेड कि उन्होंने किसी को इन्वाइट नहीं किया. पूरी दिल्ली को आप लोगों ने डिसअपॉइंट किया हो यार. मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि विराट और अनुष्का दोनों दिल्ली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने इटली में जाके शादी क्यों की? क्योंकि वहाँ का रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है और कि विराट के जो है अनुष्का बहुत पसंद है उसको, तो ऑब्वियसली कोई अच्छी जगह पे ही करनी थी उसको शादी. वही शायद शादी के बहाने इटली उन्हें घूमना था तो शायद इसलिए. एंड मोर ओवर दिल्ली की शादी लाइक उसको शायद पैसे बचा रहे थे. ये लोग रिसेप्शन कर रहे हैं मुंबई में. हाँ, हाँ. ठीक है, तो अभी लोग रिसेप्शन पे बुला रहे हैं लोगों को, तो क्या जाना चाहिए लोगों को या नहीं जाना चाहिए? मेरे को इनवाइट करेगा तो मैं तो जरूर जाऊंगा. नहीं, सबको ना ऐसे गुस्सा होकर बैठ जाना चाहिए कि अब बुलाया नहीं शादी में उनको. सब वो शादी में एक मामा होता है ना जो सबसे गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, उनको वो सब बनना चाहिए. मैंने यही चीज काफी लोगों से पूछी, सभी ने मना किया कि हम नहीं जाएंगे. विराट, सब लोग नाराज है यार. 6 है ये. ओके, लास्ट क्वेश्चन, आप विराट और अनुष्का को कुछ कहना चाहेंगे दोनों? We love you all. Viraj, you broke my heart. Oh! Okay, मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ कि अनुष्का और विराट दोनों दिल्ली से हैं और लोगों ने इटली में जाके शादी क्यों की? Because अनुष्का का ड्रीम था इटली में मैरिज करना. आपको कैसे पता? पता है, फॉलोअर है, हम लोग अनुष्का के फॉलोअर है, बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को. okay. और वो उसका ड्रीम डेस्टिनेशन था, तो उसकी शादी लाइफ में शादी एक ही बार होती है, तो वो अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे गई शादी की, हमें भी अच्छा लगा बहुत. मैंने ये कम से कम 10 लोगों से पूछा है, मुझे अब आंसर मिला है कि इटली में शादी क्यों की है. रिसेप्शन हो रहा है और वो लोगों को बुला रहे हैं, शादी में किसी को बुलाया नहीं, तो क्या जाना बनता है? जरूर बनता है, जब कोई शादी में नहीं जा पाया तो ऑब्वियसली बात है रिसेप्शन में तो जाएगा ही ना. नहीं जाना चाहिए रिसेप्शन में, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. क्यों नहीं बुलाई वो शादी में? बुलाना चाहिए था शादी में, गलत बात है. जाना चाहिए बिल्कुल थोड़ा. मैं क्या, सारे दोस्तों को नाराज होना चाहिए, कोई बच्चा मामलो शादी में क्यों नहीं बुलाई वो. मैंने सभी से पूछा, सब कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई भी जाने. अगर मैं उसकी क्लोज फ्रेंड होती, बेस्ट फ्रेंड होती, बिल्कुल नहीं जाती है कि शादी में नहीं बुलाई रिसेप्शन में, क्या मैं खाने जाऊं देखना चाहिए. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से, आप अनुष्का के बहुत बड़े फॉलोअर्स आप बोल रहे हो, तो आप मुझे बताइए आप अनुष्का और विराट को आप लोग क्या बोल रहे हैं? परफेक्ट कपल्स. नहीं बुलाई शादी में वो, फिर भी ठीक है तुम खुश रहो, हैप्पी फॉरएवर. पूछने वाला जो दिल्ली के विराट कोहली और दिल्ली के अनुष्का शर्मा है, उन्होंने जाके इटली में शादी की, उसके पीछे रीजन? मे बी उन्हें इनवाइट नहीं करना होगा किसी को, मे बी उन्हें ज्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहिए होगी, डेट्स व्हाई. सेकंड क्वेश्चन, उन्होंने शादी में किसी को नहीं बुलाया, उसके पीछे रीजन? रिसेप्शन पे बुला लेंगे. रिसेप्शन पे बुला लेंगे. शादी में बुलाया नहीं तो रिसेप्शन पे जाना बनता है? मैक्सिमम सेलिब्रिटीज ऐसे ही करते हैं, मैक्सिमम में उसमें अभी धोनी की हुई थी, उसमें भी ऐसे ही हुआ था. तो आपको तो सबका पता है, आई एम अ बिग फैन ऑफ धोनी, बिग.
विराट और अनुष्का को कुछ कहना चाहेंगे? बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर अपकमिंग लाइफ, एंड दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, एंड मेनली विराट रिस्पेक्ट अनुष्का सो मच, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच, होप आप लोगों को अच्छा लगाओ. कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट डालें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.